सो क्लास अब हम लोग सीख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक विच रिक्वायर्स मोर अटेंशन. ओके सो टॉपिक इज मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा की मीडियन कैसे निकालते थे आपको याद होगा, सबसे पहले अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में और डिपेंड होता था कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से निकालते थे एन बाई टू करके. जो बीच में मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन आती थी दैट वॉज द मीडियन. लेकिन ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का तरीका काफ़ी अलग है. अभी देखिए, मान लीजिए हमारे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ और उसी के थ्रू समझाऊंगी. ठीक है, तो एक टेबल है, एक वर्टिकल टेबल हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से. क्लास इंटरवल्स है 0 से 5. पहला क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 20. दूसरा क्लास इंटरवल है 5 to 10, फ्रीक्वेंसी इज 60. नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 10 to 15, फ्रीक्वेंसी इज 80. 15 टू 20 ने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल लिया है मैंने. ठीक है, 15 टू 20 फ्रीक्वेंसी इज 32. देन 20 टू 25 फ्रीक्वेंसी इज 8. दिस इज द टेबल, दिस इज द डेटा यू हैव एंड यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा. करेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा. तो फॉर्मूला होता है मीडियन का, एल प्लस ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ पे ये एल क्या है, तो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. पर ये ध्यान रखना, मीडियन क्लास मॉडल क्लास की तरह फाइंड नहीं करते हैं. मॉडल क्लास कैसे निकालते थे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसी को हम मॉडल क्लास कहते थे. मीडियन क्लास को फाइंड करने का एक अलग तरीका है. सो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें एलिमेंट है वो है एन. एन बाय टू के लिए एन पता होना चाहिए. तो एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये किस कैसे निकलेगी, तो ये एन बेसिकली और कुछ नहीं सिग्मा एफ आई होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी यही होती है टोटल ऑब्जर्वेशन. आपने देखा होगा जब 200 घरों का सर्वे किया था, 200 फैमिलीज का, तो सिग्मा एफ आई भी 200 ही आया था और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 200 थी. अगर 200 घर जाके सर्वे किया तो पहले घर से एक ऑब्जर्वेशन मिली, दूसरे से एक मिली, तो ऐसे करके 200 ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास. तो एन और सिग्मा एफ आई सेम चीज होती है. आ गया समझ में? ठीक है. अच्छा, इसके बाद में सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये नया है, ये अभी बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं, इजी है. लेकिन एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फाइंड करते हैं. ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे मीडियन क्लास. मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एन. क्यों? देखो, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास वो क्लास होती है, या मैं हिंदी में लिख देती हूँ, मीडियन क्लास वो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी सी एफ एन बाय टू से जस्ट बड़ी होती है. एन बाय, जिसकी सी एफ एन बाय टू से जस्ट बड़ी होती है. ये मैंने हिंदी में सी लिखा ताकि आप ऐसी ही कॉपी में लिख लो और आपको ये याद रहे और आगे जब कंफ्यूजन हो या भूल जाओ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, तो अब करें शुरू. अब सी एफ निकालना सीखते हैं. सी एफ, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है एफ के बाद. अभी नोट मत करना,
नोट कर लेना, बाद में टाइम मिलेगा, पहले समझ लो। एफ के बाद एक नया कॉलम बनाते हैं सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब रिजल्ट मिलता है आपको, फाइनल रिजल्ट जो मिलता है एनुअल वाला, तो उसमें कई बार आप लोगों के अगर रिपोर्ट कार्ड में नहीं मिलता तो आप हायर क्लासेस की जो रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं उसमें आप देख सकते हो, उसका उसमें लिखा होता है कॉन्सोलिडेटेड या फिर क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स जोड़ते चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव का मतलब एडिशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास जीरो से लेके फाइव तक की जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो यहाँ तो पहले वाला क्लास फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिखते हैं, दूसरे के लिए 10 तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 60 80। 15 तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 60 80। यहाँ आ गया था 80, 80 में 80 और जोड़ दो, बनना 16। आ रहा है ना समझ में? अगला बताओ क्या आएगा, 160 में 30 को ऐड करो, 192 में 8 ऐड करो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आपने बिल्कुल सही निकाला होगा तो लास्ट वाली जो CF मिलेगी ना वो N के बराबर होगी या सिग्मा FI के बराबर होगी, समझ में आ गया? ये जो लास्ट CF होगी, क्योंकि आप देखो हमारा यही तो मकसद था, हमने फ्रीक्वेंसी तो लिखी है यहाँ पे, जब हमने लास्ट वाली CF लिखी तो हम ये कह रहे थे कि 25 टोटल जो भी हमने डेटा यहाँ पे लिया है 25 तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टोटल यहाँ से लेके शुरुआत से लेके आखिर तक टोटल फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। तो 200 जो लास्ट वाली CF है वो N भी होता है, उसी को आप सिग्मा FI भी कहते हो। बात आ गई समझ में ना? तो CF की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, CF निकालना आ गया सब बच्चों को? यस मैम। यस यस, पहले वाले एडिटिव लिखेंगे फिर ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है? अब कैलकुलेट करते हैं, तो अब आप नोट कर लो पहले, मुझे स्पेस चाहिए कैलकुलेशन के लिए, मैम हो गया, स्पेशली नीचे वाला पार्ट नोट कर लो, मुझे इसे इरेज करना होगा। आपको देखो n by 2 में से CF माइनस कर रहे हैं,
एन बाय टू की वैल्यू मीडियम क्लास के लिए सॉरी सी एफ की वैल्यू मीडियम क्लास के लिए हमेशा एन बाय टू से ज्यादा होगी, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। नहीं आई बात समझ में? अगर हम ये वाली सी एफ लेते ना, मीडियम क्लास की सी एफ लेते, तो एन बाय टू का 100 में से 160 माइनस करते, माइनस में आंसर आता। हमें यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो एन बाय टू से जो ये जो मीडियम क्लास से जो पहले वाली सी एफ है जो एन बाय टू से छोटी है उसको लेंगे। आगे बात समझ में? सी एफ लेंगे मीडियम क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो ये बेसिकली डिजाइन याद रखना दिमाग में, ऐसे चलता है इस तरह से, एफ ये और सी एफ ये ऊपर वाली। समझ में आ गया? ठीक है, तो मुझे बताओ सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 80। क्लियर है ना? तुम्हें एक ट्रिक भी बता दी याद रखने की कि हम अगर एन बाय टू, अगर सी एफ हम इसे लेते तो ये एन बाय टू ये छोटी हो जा बड़ी हो जाती है एन बाय टू से, इसलिए नहीं लिया हमने। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी किस क्लास के लिए है? मीडियम क्लास की। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? 80। अच्छा, इसके बाद बात करें एच की। एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है यहाँ पे बताओ? क्लास साइज क्या होता है निकालना? 5। तो एच की वैल्यू 5। ठीक है, आप नोट करो इस पार्ट को। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास इन सबकी आ चुकी है और ये मैंने आपको समझा भी दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, ये आप लिख लीजिएगा। या हिंदी में जैसे आपको लिखना वैसे लिख लेना, जैसे आपको याद रहे, मीडियम क्लास से पहले वाली क्लास की सी एस। ठीक है, अच्छा इरेज कर दो आप। अब सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो मीडियन फाइंड कर रहे हैं हम। मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है? 10 प्लस एन बाय टू 100 माइनस सी एफ। 100 पता चला ना कैसे आया? एन 200 था, 200 को 2 से डिवाइड किया, 100 आ गया। 100 माइनस सी एफ, सी एफ इज 80 डिवाइडेड बाय एफ 80। और शुभ 80 से 80 कटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। इंटू एच 5, तो 10 प्लस 80, 100 में से 80 माइनस होगा, सॉरी यानी 1/4 अपॉन 80 इंटू 5। ठीक है, अभी से सॉल्व कर लो। 20 प्लस 100 अपॉन 80 ये कैंसिल हो गया, 10/8 आ गया। सॉल्व कर दो इसे, 5/8 कितना आ गया? 10 प्लस 1.25। ये सॉल्व कर दो, ऐड कर दो 11.25, ये आपका मीडियन आ गया, मीडियन का फाइनल आंसर आ गया। मीडियन निकालना सबको आ गया, तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, सॉल्व करके दिखाना जल्दी।